A lovely morning to all my dear students of class 6. Today we are going to have our next chapter, that is changes around us. It is very easy, very simple chapter. So let's start. Changes around us. The first word is changes. So let me tell you what are the objectives. Means at the end of the lesson, what we will learn at the end, we will be able to describe the changes that occur around us, explain reversible, irreversible changes, expansion and evaporation. All these things we will learn at the end of the, during this chapter basically, right? Here is a plate and an ice cube is there, and another plate having melting of, which shows melting of ice. Next, milk. From the milk, the formation of curd has been shown in this picture. Sugar or salt in water, which gives a clear solution. Breaking of a glass, growth of a plant from a seed, ripening of fruits, blowing of air in a balloon. All these are different type of changes. What is basically a change? Change means the act which brings difference in the form of the material or the thing. क्या मतलब है change का? Change का simple मतलब होता है किसी चीज़ में difference आना, किसी material में या उसकी form में difference आना. First example मैंने आपको दिखाया था, ice था और वो ice second plate में melt हो गया था. वहाँ पे क्या था, आइस कैसा था, सॉलिड फॉर्म में था. जब वो मेल्ट हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में चला गया, उसका फेज बदल गया, दोनों चीज़ में डिफरेंस आ गया. जब बलून में हमने एयर डाली तो बलून जब पहले बिना विदाउट एयर था वो छोटा था, लेकिन जब हमने एयर डाली तो उसका एरिया, उसका स्पेस बड़ा हो गया. जब हम राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसमें पहले बनाना कैसा था, पहले बनानास ग्रीन कलर के थे, जब वो राइप हो गए मीन्स जब वो पक गए तो वो येलो कलर के हो गए. चेंजेस आया तो से चेंज मीन्स द एक्ट विच ब्रिंग्स द डिफरेंस. डिफरेंस आया, पहले ग्रीन था बाद में येलो हो गया, तो वो डिफरेंस आया. इन द फॉर्म ऑफ द मटीरियल और द थिंग, राइट? तो दोनों सेम चीज़ है. डिफरेंस टेक्स प्लेस बाय देमसेल्फ और बाय द लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म. या तो जो चेंज होता है या तो उसके पीछे वो, या तो वो नेचुरली होगा या उसके पीछे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास आइसक्रीम है एंड आई हैव टेकन इट आउट फ्रॉम द फ्रीजर, दैट मीन्स आई एम टेकिंग इट. सो बिहाइंड द मेल्टिंग ऑफ दैट आइसक्रीम आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैंने उस आइसक्रीम को फ्रीजर से बाहर निकाला था. और अगर हम राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसमें नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल. वो एक नेचर का लॉ है, वो ऐसा होगा ही होगा, राइट? तो उसमें वो खुद ही हो रहा है, वो एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है. सो चेंज इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर. यू ऑल नो चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब हमेशा चलते रहना वाला प्रोसेस एक चेंज होता है. चेंजेस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज़ रिवर्सिबल एंड अनदर इज़ इररिवर्सिबल. पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की. रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है, यहाँ पे आपको दो एग्जांपल नज़र आ रहे हैं. फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, एक प्लेट रखी है और उसमें डबल एरो शो हो रहा है, आइस से वाटर, वाटर से आइस. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ मैंने सॉल्ट को पानी में घोला और वो एक क्लियर सॉल्यूशन दिखा रहा है, वहाँ पर भी डबल एरो है. और थर्ड एग्जांपल है हमारे पास ब्लोइंग ऑफ एयर इन अ बलून, यहाँ पर भी डबल एरो है. क्या मतलब है इसका? दिस सिंपली मीन्स कि अगर आप चाहें तो आइस से वाटर और वाटर से आइस दोबारा बना सकते हैं. तो रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो वापस अपने पोजीशन में दोबारा आ सकते हैं जैसा कि वो थे. फॉर एन एग्जांपल मैं इसकी बात करती हूँ, रिवर्सिबल चेंज. लेट अस हैव एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. आई एम हैविंग अ सैंड इन द कंटेनर. इस कंटेनर में मैंने सैंड लिया है, उसमें मैंने पानी डाला, मैंने सैंड को कोशिश किया कि पानी में मिक्स हो जाए, बट यू ऑल नो कि सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, एंड व्हेन इट सेटल्स एट द कंटेनर आई टिल्ट द क्लियर वाटर टू द नेक्स्ट कंटेनर. यू ऑल नो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन अलॉन्ग विद द डिकंटेनर, एंड इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल रिवर्सिबल चेंज. हाउ, लेट मी चेक. इट इज अ रिवर्सिबल चेंज बिकॉज वी हैव सेपरेटेड water from the sand. Let's have another example.
I am heating a bowl of chocolate. I have already poured chocolate in that bowl and I am continuously heating it. You all know the chocolate will melt, and in this container you can see the chocolate is going to melt. And now I have poured that container of chocolate to that big container. It will take the shape of the square, and after some time it will freeze out. So all these are the example of reversible change. रिवर्सिबल चेंज का सिंपल मतलब होता है जैसे उसको सेपरेट करके वापस वैसा ही लेना जैसा कि वो था. सैंड को हमने पानी से अलग कर लिया, और चॉकलेट हमारे पास अगर फ्रीज थी और हमने मेल्ट किया, उसके बाद हम उसे दोबारा फ्रीज कर सकते हैं. यही एग्जांपल मैंने आपको बलून के केस में बताया था. जब हम हवा भरेंगे बलून के अंदर तो स्पेस बड़ा हो जाएगा. अगर आप हवा निकालोगे तो बलून वैसे ही दोबारा हो जाएगा जैसे कि वो एज इट इज़ शॉप से हमें मिला था. आइस को अगर आप मेल्ट करोगे तो वो पानी बन जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर. और अगर आप वाटर को फिर से फ्रीज करोगे तो वो फिर से आइस बन जाएगा. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज. रिवर्स मतलब जिसे आप बदल सकते हो, राइट. लेट्स चेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. What this chef is going to make, he is going to make omelette of 2 or 3 eggs, right? He is preparing the omelette. You can see he is going to prepare. He breaks the egg and doing all the procedure what basically is required to make the omelette. But can you believe? If we will cut the an apple into 4 or 3 slices or many more slices, can you rejoin the apple as a single piece? No, it is not possible. I have break that apple into 4 pieces. Can you rejoin them? No. Means the making of an omelette or making of any of the dish or cutting of apple, both these are the example of irreversible change. Irreversible change simple means जिस चेंज को हम वापस बदल नहीं सकते. हमने किसी फ्रूट को काटा, अब हम उसको वापस चेंज नहीं कर सकते, उसको हम एक प्रॉपर एक सिंगल पीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दैट मीन्स इट इज़ नोन एज इरिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. आइस को जब हम बाहर निकालेंगे फ्रीजर से, इट विल मेल्ट, इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर. और वाटर को आप दोबारा फ्रीज करोगे, इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू आइस. इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. वी विल मिक्स सॉल्ट इनटू वाटर, इट विल बिकम सॉल्ट सॉल्यूशन. इफ़ यू विल अगेन हीट द सॉल्ट सॉल्यूशन, द वाटर विल इवेपोरेट. वाटर भाप बन के उड़ जाएगा, सॉल्ट आपको कंटेनर में नीचे मिल जाएगा. सॉल्ट एंड वाटर विल बी सेपरेटेड. अगेन इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. Release of air from the balloon. We are having balloon. If we blow air into it, the space will be bigger than the actual one. And if we release the air from the balloon, it will be like the original state as it was. So it is also an example of reversible change. Reversible and irreversible changes are the changes which cannot be reversed. जिसको आप बदल नहीं सकते, those are known as irreversible change. For an example, formation of curd from the milk. दही का दूध से बनना, दही अगर बन जाता है आप उसे दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, ग्लास का टूट जाना. अगर ग्लास टूट जाता है तो आप उसे दोबारा ग्लास नहीं बना सकते. इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज. ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, एक सीड लगाया, सीड से प्लांट बन गया, क्या वो प्लांट वापस सीड बन सकता है? नो. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. रिडक्शन इन द हाइट ऑफ द लाइटेड कैंडल. एक कैंडल है, उसको मैंने जलाया, जलते जलते कैंडल पूरी ख़त्म हो गई, उसकी हाइट छोटी हो गई, क्या आप उसको वापस ओरिजिनल हाइट ला सकते हो? No, it is an example of means irreversible change. Mixing of a substances. Here I am having tea leaves into here I am having the tea leaves and the water container. What I am doing, I am mixing that tea leaves in that container, right? The color of that water solution changes, it will become coffee color. So can you again change the color? No. This change is also an irreversible change.